ऐसा जो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं करी थी, मैंने क्या किया था, जैसे यहाँ से भी सर से मैं चेक कराता था पेपर्स, तो मैं पहले पेपर लेके जाता था और घर पे उनको लिख लेता था। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप इनिशियली यू आर राइटिंग 3 और 4 आंसर्स डेली, ओके, आफ्टर दैट ग्रेजुअली आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप 1.5 आवर्स का पेपर लिखिए पहले, ओके, 1.5 आवर्स का आपने पेपर लिखा तो उसमें 10 क्वेश्चन खत्म करिए पहले, एक दो बार आप ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर आप 3 आवर्स पे जंप करिए, ओके, एंड जस्ट प्रायर टू मेंस जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो उसमें भी आप एक बार कोशिश करिए कि 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच यू कैन राइट, बिकॉज यूपीएससी इज काइंड ऑफ एंड्योरेंस टेस्ट। जब मेंस आएंगे तो विदाउट एनी गैप बैक टू बैक पेपर देना पड़ेगा और 6-6 घंटे एक दिन में लिखना पड़ेगा, तो हाथ बहुत दुखेगा। तो यू शुड एंश्योर कि भाई यू हैव प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कंटिन्यूसली फॉर 6 आवर्स, बिकॉज बिलीव मी इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर 6 आवर्स, यू शुड नॉट थिंक दैट कि ठीक है यार 5-5.5 घंटे में भी चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज मेन्स मार्क्स आर वेरी क्रूशल, बिकॉज इंटरव्यू इज़ नॉट इन योर हैंड। तो जिसमें हम ज़्यादा जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उसको कर सकते हैं, हमको वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेन्स में अगर 2-3 नंबर आपके कम रह गए तो सर्विस ही अलग हो जाएगी, आपको IRTS मिल सकता था, पोस्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज़ में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम जैसे 7 to 8 मिनट्स में आप एक आंसर लिख रहे हैं, एंड इफ़ यू आर सेविंग 1 मिनट ऑल्सो इन एवरी क्वेश्चन, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बिकॉज एट इन द लास्ट आपके पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होंगे टू फिनिश अप 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस, जहाँ पर और बच्चे आप 10 मिनट में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप 10 मिनट में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। सो इट इज़ वेरी क्रूशल द टाइम मैनेजमेंट। और ये जो 3-4 आंसर्स मैं डेली के बोल रहा हूँ, इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। नाउ आई विल कम टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, ओके, आपकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी आंसर की दैट विल बी वेरी फास्ट। यूजुअली व्हाट हैपन्स इन UPSC, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ओके, एंड लास्ट में दे विल राइट एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, एल्यूसिडेट। सो वॉट वी थिंक दे ऑल आर वन इन द सेम थिंग, और हम आंसर को सेम वे में ही अटेम्प्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ़ वहाँ पर एल्यूसिडेट लिखा हुआ है, सो यू हैव टू पुट सम एग्जाम्पल टू दैट क्वेश्चन, ओके, क्रिटिकली एनालाइज है, सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, बट स्लाइटली मोर नेगेटिव, बट आंसर शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, ओके। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्कस, एल्यूसिडेट, सब्सटेंशिएट, क्रिटिकली एनालाइज, ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट योर आंसर विल बी टोटली डिफरेंट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर राइटिंग दिस आंसर, यू शुड ऑलवेज ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ओके, एंड देन यू शुड, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली राइटिंग 3-4 क्वेश्चंस डेली, देन दिस स्ट्रक्चरिंग विल बी वेरी फास्ट, ओके, यू विल ब्रेक द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स, देन यू विल रियलाइज, लाइक लास्ट ईयर देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सम ऑफ द फियर्स द माइनॉरिटीज हैज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके। सो एज सून एज चिल्ड्रन सॉ दैट UCC इज देयर, तो वो इट वॉज इन न्यूज़, तो सबको लगा कि यार पढ़ा पढ़ाया आ गया है, लिख देते हैं, तो पूरा चालू हो गया, वो DPSP, Article 44, अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि ये है वो है, तो ये जो पार्ट था DPSP 44 और ये और वो चला आपका आधा, देन यू रियलाइज यार इतनी सी स्पेस बची है और 2 पार्ट्स और बचे हैं करने को, अब फियर क्या है, तो वो जरा जरा से आपने छोटी छोटी राइटिंग में आपने वो घुसेड़ के फियर्स लिख दिए, और कंक्लूजन दस इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये सबसे कॉमन कंक्लूजन है जो बहुत लगाते हैं हम लोग, दस इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, है ना, इट इज़ अ गुड स्टेप, तो ये हो गया। बट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, इफ़ यू आर रिवाइजिंग रेगुलरली, वॉट यू विल डू, यू विल रियलाइज दैट
ये जो डीपीएसपी वाला जो चीज़ है आर्टिकल 44, इट इज़ हार्डली 10% वेटेज. मोर वेटेज शुड बी गिवन टू द फियर्स ऑफ द माइनॉरिटीज. ओके, सो दैट फियर ऑफ द माइनॉरिटीज कैरीज ऑलमोस्ट 50% वेटेज. एंड लास्ट पार्ट, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट यूसीसी, दैट इज 30% or 40% वेटेज. सो दिस आइडिया यू शुड गेट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. एंड इफ यू हैव रिटन ऑलमोस्ट 200 or 250 क्वेश्चन, देन यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया दैट ओके इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू जस्ट राइट इन अ लाइन अबाउट यूसीसी, इट्स डीपीएसपी, बट मोर फोकस शुड बी डन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हाउ विल वी इम्प्लीमेंट एंड वॉट आर द प्रॉब्लम्स इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो वेन एवर यू राइट द आंसर, इट शुड बी वेरी क्लियर. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाइल राइटिंग द आंसर, वॉट एवर इज आस्क इन द क्वेश्चन, दोज वर्ड्स आर देयर इन योर आंसर. ओके, अगर उन्होंने उसके फियर्स ऑफ द माइनॉरिटीज पूछा है, तो ये जो वर्ड है फियर ऑफ द माइनॉरिटीज, दिस शुड बी देयर इन योर आंसर एंड अंडरलाइन इट. ओके, और वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, यू जस्ट कनेक्ट दोज आंसर्स, लाइक जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है. ओके, सो आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट पार्ट यू शुड से हाउएवर देयर आर सम डिफिकल्टीज. सो दिस हाउएवर इज अ कीवर्ड, सो द पर्सन विल रियलाइज ओके हाउएवर देयर आर सम डिफिकल्टीज, 1, 2, 3. ओके, आफ्टर बट दीज डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम बाय दिस दिस दिस. सो क्लियरली इफ द क्वेश्चन इज इन थ्री पार्ट्स, योर आंसर इज इन थ्री पार्ट्स, एंड ऑल दीज थ्री पार्ट्स आर वेरी विजिबल, द प्रॉब्लम्स विद यूसीसी. ओके, बट दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड फिर फाइनली यू कैन राइट वॉट एवर कंक्लूजन यू हैव टू राइट. सर, ये आपने जैसे वेटेज जैसे किया 10% 50%, तो हर क्वेश्चन में वेरी करेगा. हाँ, ये कैसे कैच किया जा सकता? हाँ, वो कैच होगा इफ यू आर कंटिन्यूसली राइटिंग द आंसर्स एंड इफ यू आर गेटिंग द फीडबैक ओके ये नहीं आंसर अच्छा है, तो क्या होगा कि आफ्टर राइटिंग लाइक मोर देन 80 or 100 क्वेश्चन, यू विल रियलाइज कि यार वापस जो मैं बोल रहा था ना कि एक बार अपने आंसर को वापस पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंसर में क्या पूछा है, और वो जो मैंने बोला था कि भाई 8-9 दिन बाद आप वापस एक बार वही आंसर लिखो, तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा. अभी जैसे आप वापस मेंस का क्वेश्चन उठा के देखोगे और अब तो ये चीज़ मैंने बोली है, सो नाउ यू विल कॉन्शियसली थिंक कि यार ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है. तो ऑब्वियसली वाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू विल रियलाइज कि यार अगर यूसीसी का है और अभी ये न्यूज़ में चल रहा था, तो उसमें बार बार ये चीज़ आ रही थी कि देयर वर सम फियर्स, क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं जिसके कारण आप ये बोल रहे हो कि इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड. तो क्या वाई यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड? तो इन कंक्लूजन यू शुड कोट टू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे ऐसे रिसेंटली जजमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ विच वी आर थिंकिंग दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड. सो दिस इज हाउ इन पेपर टू यू कैन इनकॉर्पोरेट द केसेस. जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था बहुत बार यूपीएससी ने, इन ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन दे आज स्पेसिफिकली कि कौन कौन से केसेस हैं, तो दोज लैंडमार्क केसेस जो जजमेंट्स हैं पॉलिटी में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज जजमेंट्स एंड यू शुड बी एबल टू राइट. मगर हाउ यू विल बी एबल टू राइट, कहीं पर भी आप नहीं डाल सकते हो. ऐसा नहीं है कि यूसीसी का तो आपने शुरू में ही डाल दिया वो चीज़, आपको समझ में ही नहीं आएगा उसको. इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर इज़ वेरी क्रूशियल, कि जो उसने पूछा है, जिस सीक्वेंस में पूछा है, उस सीक्वेंस में ही आप आंसर करो. और जब आप वो करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्पेस है ना, वो पूरी प्रॉपरली यूटिलाइज होगी. सर, इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होता है, कहते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है कुछ वर्ड्स. हाँ, इनिशियली आप यू हैव टू गिव द कॉन्टेक्स्ट व्हाई दिस इज बीइंग सेड. सो इनिशियली यू हैव टू राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ओके, नाउ देयर कैन बी डिफरेंट स्टाइल्स. सम पीपल पहले थोड़ा कुछ बैकग्राउंड देंगे, उसके बाद वो उस स्टेटमेंट पर आएंगे एंड देन दे विल एक्सप्लेन. बट वॉट आई थिंक कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है, यू शुड राइट इन द स्टार्टिंग ओनली. एटलीस्ट एग्जामिनर को यह समझ जाए कि यार लड़का क्वेश्चन समझ गया है. सो वॉट एवर इज इन देयर इन द क्वेश्चन इज इन इन देयर, यू शुड राइट दोज कीवर्ड इन योर आंसर इन स्टार्टिंग ओनली. ओके, सो जैसा वो कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, सो यू कैन से दैट दिस
स्टेटमेंट हैज बीन सेड इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट और इट इज बीइंग सेड बिकॉज दीज वर द थिंग्स. ओके सो यू शुड इंश्योर दैट द एग्जामिनर शुड रियलाइज दैट स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब आप क्या करोगे, पूछा उसने कुछ और है, यूसीसी का उसने पूछा और आपने कुछ पहले हिस्ट्री लिख दी उसकी, तो उसको लगेगा कि यार पूछा कुछ और है, आंसर कुछ और दिया तो नंबर यहीं पे कम कर देगा. तो उसको इतना घुमाने के बजाय स्टार्टिंग में ये लिख दो कि भाई मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, एंड सीधे आप फिर आंसर स्ट्रक्चरिंग कर दो. एंड व्हेन यू विल डू दिस स्ट्रक्चरिंग देन दैट डाउट वेदर वी शुड राइट इन पॉइंट फॉर्म और इन एसे और इन पैराग्राफ फॉर्म दैट विल बी रिजॉल्व. बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू कैन नॉट राइट इन पॉइंट फॉर्म. अब क्रिटिकल एनालिसिस है तो वो आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके लिए तो थोड़ा सा आपको 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी. उसके बाद व्हाट आई वाज टेलिंग कि हाउ एवर एंड डज बट इनका कनेक्टर यूज करके आप पॉइंट्स लिख दो. जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट विल कम इन द पैराग्राफ फॉर्म एंड दी लेटर ऑन उसका जो कनेक्टिंग चीज़ें हैं दैट यू कैन राइट इन पॉइंट फॉर्म. क्योंकि शुरू में तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स इफ यू विल थिंक कि हम पैराग्राफ में लिख लेंगे वो लिख लेंगे, मगर बाद के जो आंसर्स रहेंगे ना 5-6 वो ऐसे ऐसे लिखेंगे. वो क्या राइटिंग में आप लिखोगे ना वो आपको ही भी समझ में नहीं आएगा. और जब बाहर निकलोगे एग्जामिनेशन रूम के तो आप ये बोलोगे कि यार मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है. सो दैट सिचुएशन शुड नॉट कम. सो हाउ यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन इज बाय कंटिन्यूस रिविजन. तो उसके कारण क्या होगा कि जो कंसिस्टेंसी के कारण ये जो आपकी स्ट्रक्चरिंग है बहुत तेज़ हो जाएगी. यू विल रियलाइज कि अच्छा यार इसमें ये पूछा है. ये तो बहुत बार क्वेश्चन कुछ और रहता है और उसका जस्ट अपोजिट उन्होंने आंसर में पूछा रहता है. जैसे कोई क्वेश्चन है एंड उसका जस्ट अपोजिट आंसर में पूछा जाएगा, मगर जल्दी जल्दी में हम क्या होंगे, वो जो स्टेटमेंट रहेगा हम उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, उसका काउंटर ही नहीं देते. दिस शुड नॉट हैपन. जैसे म्यांमार इज अंडर गोइंग ड्रामेटिक चेंजेस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरिनास. इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू क्लोजली फॉलो दी ऑन गोइंग डेवलपमेंट स्पेशली द इशू ऑफ रोहिंग्या एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल. तो अब इसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उसमें पॉलिटिकल भी पूछा है, इकोनॉमिक सोशल तीनों चीज़ें पूछी हैं, उसके बाद रोहिंग्यास का पूछा है और उसमें अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल बतानी है. तो इसमें ही आपको कीवर्ड्स पता चल गए, ठीक है. बट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर ऑल्दो यू शुड राइट समथिंग विच इज़ नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन विच विल गिव यू अ एडेड परस्पेक्टिव और विजन टू योर आंसर. अगर कोई चीज़ उसमें पूछी भी नहीं है मगर दो लाइन में आपने लिख दिया है तो इससे क्या शो होगा कि ओके यू हैव अ विजन. अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम दी हुई है क्वेश्चन में बट आपने एक स्टेप फर्दर बढ़ के उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है तो इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. ओके जैसे UNSC का क्वेश्चन आया था, ओके तो आप ये लिख दो, मीन्स में आया था शायद इस बार, इंडिया के लिए UNSC की सीट कितनी ज़रूरी है या ले सकते हैं कि नहीं हम परमानेंट UNSC की सीट. तो उसमें आप ये लिख दो कि यस इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल बी अ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज देयर आर टू प्लान्स, कोफी अन्नान प्लान एंड देयर इज़ अ 777 फार्मूला. ओके 777 फार्मूला. तो इफ़ यू विल राइट दिस थिंग, दिस वॉज नॉट आस्क इन द क्वेश्चन, बट इफ यू विल राइट ओके इन फ्यूचर वी कैन होप दैट इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ UNSC सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज दीज टू फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड वी आर वर्किंग अपॉन इट. भले ही पूछा नहीं था बट अगर आपने लिख दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. और जैसे म्यांमार वाला है तो आपको ये बताना है कि भाई इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू क्लोजली फॉलो दी ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स. सो वॉट आर दी ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स. उस समय जैसे म्यांमार में देयर वॉज ट्रांजिशन फ्रॉम वो डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी. सो बट म्यांमार वाई इज़ इट क्रूशल. तो म्यांमार इज़ क्रूशल कंट्री फॉर इंडिया बिकॉज आपने 3 पॉइंट्स में लिख दिया कि ये इसके लिए म्यांमार हमारे लिए ज़रूरी है. दस इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू फॉलो द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ म्यांमार. तो देखो अब ऊपर लिखा हुआ था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू फॉलो, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया कि इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू फॉलो. वाई? बिकॉज म्यांमार इज़ क्रूशल फॉर अस.
ऊपर से आ गया फर्दर, अब ये कनेक्टिंग आ गया फर्दर, इट इज़ ऑल्सो क्रूशल फॉर इंडिया टू ट्रैक द रोहिंग्या इशू. अब वो मैंने कनेक्ट कर दिया उसको रोहिंग्या इशू से, एंड देन क्या इशू है वो, तो उसको वापस एक दो तीन चार पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन फिर एक कनेक्टिंग आ गया. कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड इंडिया शुड टेक दस क्या क्या उसको करना चाहिए. आर्बिट्रेशन विल बी डन इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन शुड बी बाइंडिंग, ये सब वो आ जाएगा उसका. मिसमैच हो गया सर, हाँ कुछ गलत हो गया होगा, मगर जैसे ये कनेक्टिंग है ना, जैसे कीपिंग दीज थिंग इन माइंड इंडिया शुड टेक यही है शायद ये वाला. हाँ तो मतलब आप देखा, मैंने जो आंसर था उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट्स में लिख दिया, तो वो दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये पॉइंट्स है. हाँ यू कैन राइट वो चेंजेस, जैसे मैंने इसमें एक ही उसमें बोल दिया था कि ये जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है वो लिखा हुआ था मैंने. यार इसमें वो ये प्रैक्टिस से वो आ जाता है कि अच्छा इसको ड्रामेटिक चेंजेस हैं, तो ये ड्रामेटिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं. ओके तो वो एक कीवर्ड हो गया, मतलब जब पढ़ते आ रहा ना उसी टाइम अंडरलाइन कर दो कि भाई ड्रामेटिक चेंजेस, तो ये जो सभी ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं वाई, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखो यू शुड ऑल्सो इंश्योर दैट यू एड्रेस ऑल दी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, वाई व्हाट वेयर हाउ. ओके सो इट, तो अब इट इज़ अब मेनी अ टाइम्स यूपीएससी में या जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू क्लोजली फॉलो दी ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स. ओके बट वाई इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडिया. ओके तो जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करोगे आंसर की, जब आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, तो ये आपको पता है मेंस में नहीं है इंटरव्यू में भी फॉलो होगा. बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस थिंग इन इंटरव्यू, बिकॉज इन इंटरव्यू आई हैव स्पेसिफिकली रिटन हॉबीज और एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी. सो माय होल इंटरव्यू वाज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. सो देयर आई हैव फाउंड कि ये जो चीज़ें होती हैं कि जैसे इंपेरेटिव फॉर इंडिया टू क्लोजली फॉलो दी ऑन गोइंग डेवलपमेंट, सो वाई म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो उनका वही क्वेश्चन था वाई म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके फिर आपने जो आंसर दिया तो उसमें से फिर आपने जैसे बोला एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो फिर वो अगला क्वेश्चन जाएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है. ओके तो अगर आप मेंस में भी इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वाई या क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसी तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में वो पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो जो भी आप आंसर्स लिखें उसके अंदर ये चीज़ें देखनी होनी चाहिए, और उसमें आप ये इंश्योर करो कि भाई लास्ट में क्या वर्ड है, डिस्कस पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, ठीक है, दैट बिकम्स वेरी क्रूशल. हाँ मतलब जैसे अब ये था कि क्वेश्चन 13 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ लीगल इक्वालिटी और ये सब, ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द नीड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन इन इंडिया, ठीक है, ये 13th वाला था एक क्वेश्चन. तो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट तो आपको ये बताना है कि भाई सचर कमिटी ने बोला था, अगर आपको पता होगा और आपने उसको कोट कर दिया तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे. तो जहाँ कहीं भी आप देखो कि कमिटीज़ वमिटीज़ के नाम अगर आप डाल सको तो आप डाल दो, भले ही उसमें नहीं पूछा हो. जैसे ट्राइब्स के लिए अगर उन्होंने बोला है इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स कि ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये तो आपने अपने सजेशन डाल दिए, और एंड में खाखा तो वो ज़्यादा कमिटी है ना, खाखा कमिटी, उसको आप कोट कर दो या उसके रिकमेंडेशन अपने नाम से बना के चिपका दो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ये बताना है कि ये किसने किया, नहीं आ रही कमिटी ध्यान, मगर अगर ट्राइब्स का कुछ क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख दो पूरे, ठीक है. और दूसरी चीज़ विच आई विल लाइक टू एम्फेसाइज इज दैट ऑलवेज रीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस हैं, जैसे जो इंडिया है तो कोई नहीं पढ़ता है, ठीक
कितनी बल्कि आती है, ऐसा लगता है कौन बड़े काम का नहीं। ठीक है, इंडिया एयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, योजना कुरुक्षेत्र। नाउ आई विल टेल यू व्हाई इसका इम्पोर्टेंट किधर इम्पोर्टेंस क्या आता है। अपने को लगता है यार क्वेश्चन पेपर में तो कुछ ईयरबुक से आया ही नहीं, क्या फ़ायदा है उसको पढ़ के, है ना, और इतनी बल्कि है, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ऐसा नहीं है, अगर आप उसके 20-30 पन्ने डेली पढ़ोगे या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वही अगर आपने पढ़ लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन है, तो इंडिया एयरबुक दे हैव वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड दे हैव स्ट्रक्चर द चैप्टर एंड ऑर्गेनाइज द चैप्टर इन सच अ वे दैट यू विल गेट अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन इंडिया बुक में जब आप चैप्टर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही है कौन से सब, ये जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट में है कि स्टेट में है कि यूनियन लिस्ट में है, ठीक है, पहले कौन सी लिस्ट में था, अभी कौन सी लिस्ट में है, तो ये प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एजुकेशन में पहले उन्होंने प्राइमरी को डील किया है, ओके, देन उन्होंने हायर एजुकेशन एंड देन एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, देन प्राइमरी में भी लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो देखिए आपका एक माइंड मैप बन गया है ईयर बुक पढ़ने के बाद। अब क्या होगा, जो भी स्कीम्स होगी ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करनी है। आरटीई हो गई प्राइमरी के लिए, ठीक है, ये आरएमएसए हो गया माध्यमिक शिक्षा अभियान, और रूसा हो गया हायर के लिए, ठीक है, साक्षर भारत अभियान और नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया एडल्ट एजुकेशन के लिए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कंप्लीट पिक्चर यू विल गेट फ्रॉम इंडिया एयरबुक। और ये जो चीज़ें, ये आपको कहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली एक तो प्रीलिम्स में जैसा मैंने बताया, और दूसरा इंटरव्यू में, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इफ यू आर अवेयर अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, हाउ गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग देम, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स इन इंडिया, डिपार्टमेंट्स इन इंडिया, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने हॉबी टीचिंग विचिंग लिखी थी, उसने एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें पूछी, बट अब वही है कि उनको चाहिए बेसिक, वो ये पूछ लेंगे इंटरव्यू में कि प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में कौन से ईयर तक रहती है, 6 से 14 साल तक, बट इतने प्रेशर सिचुएशन में आपको यही याद नहीं आएगा कि कौन से एज तक रहती है। तो उससे जब पूछा तो उसने ठीक से बता दिया कि हाँ ये प्राइमरी है, ये है, ये है। फिर इस इंटरव्यू में वो पूछेंगे ओके व्हाट अबाउट एडल्ट, हाउ यू कैन इंश्योर कि भाई दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज यूटिलाइज इन इंडिया, इट डज नॉट बिकम अ लायबिलिटी बट इट विल बिकम एन एसेट, तो आप एडल्ट एजुकेशन का बोल दो, एंड सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन इनकॉर्पोरेट फ्रॉम योजना, सॉरी ईयर बुक। देन इफ दे आस्क अबाउट समथिंग, हाउ यू कैन इंटीग्रेट नॉर्थ ईस्ट इन पार्ट ऑफ इंडिया विद द मेन स्ट्रीम, तो आप बोलो सर मेनी ऑफ द स्कूल्स और ये जो चीज़ें हैं हम नॉर्थ ईस्ट में खोल रहे हैं, जैसे आईएमए शिलोंग खोला है और ये खोला है, तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं आपको ईयर बुक में मिल जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड नॉट रीड ईयर बुक ओनली फॉर द मेंस पर्पस, यू शुड थिंक दैट ओके आई विल यूटिलाइज दिस नॉलेज इन इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि आपकी कुछ भी हॉबी होगी या कुछ होगी वो चैप्टर आपको ईयर बुक में मिल ही जाएगा। कोई भी आपकी हॉबी होगी, अगर आपका बैकग्राउंड जैसे इन्वायरमेंट का है या कुछ किया हुआ है इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट वाला आप चैप्टर करेंगे तो वो बेसिक पूछेंगे इंडिया के बारे में, ओके जस्ट टेल मी आपका इन्वायरमेंट वो था, ये जो क्लासिफिकेशन होता है इनका वेजिटेशन का, ये कौन सी एजेंसी करती है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मगर ये आपको मिलेगा ईयर बुक। तो ये प्री में काम नहीं आया, मेंस में काम में नहीं आया, मगर ये इंटरव्यू में काम आ गया। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ईयर बुक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ईयर बुक, यू कैन मेक माइंड मैप्स। ओके, एंड माइंड मैप्स एक बार बन गए तो उसके बाद आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, चीज़ें डालनी है, जो भी नई स्कीम आई, अच्छा सेग्रीगेशन है आपके दिमाग में, माइंड मैप बनाओ, अच्छा ये तो प्राइमरी के लिए है, मिड डे मील ये प्राइमरी के लिए है, अब ये आपको कहाँ पे और यूज़ आएगा, यू कैन रिलेट इट इन ऐसे एजुकेशन पे ऐसे आया, आपको मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने हैं। ओके, व्हाट यू कैन डू, यूज़ दिस थिंग, अगर माइंड मैप है तो बहुत अच्छे से आप एजुकेशन के ऐसे पर जाओगे, आप हिस्ट्री में जाओगे पहले, ओके उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट के सेक्टर में प्राइमरी हायर ये फिर स्कीम्स डालोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा वो ऐसे, क्योंकि आपने सिर्फ प्राइमरी को कवर नहीं किया,
आपने R&D हायर एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में ऐसे लिखा है ओके तो इस तरीके से जो ईयर बुक है उसका ये फायदा होगा ईयर बुक इकोनॉमिक सर्वे योजना ओके दिस वॉज वन ऑफ इट्स यूज अनादर जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट यूज लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस पढ़ने का जैसे ARCs हुई ठीक है या ईयर बुक हुई मेनी अ टाइम्स नॉट ओनली इन मेंस बट ऑल्सो इन इंटरव्यू दे आस्क सम क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट ओके अब वहाँ पर ब्लाइंडली आप और ब्लंटली यू कैन नॉट टेल कि ओके सर दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वॉज रॉन्ग बिकॉज वो पॉलिसी हवा में नहीं बनाई उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करके बनाई होगी ठीक है उसमें कुछ लूप होल्स होंगे बट इफ़ यू हैव टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट नॉट ओनली इन मीन्स बट इन इंटरव्यू ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर अब मध्य प्रदेश इज नोन फॉर माल न्यूट्रिशन ठीक है माल न्यूट्रिशन है वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज अ बीमारू स्टेट तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क मी कि अच्छा आप मध्य प्रदेश से हैं बीमारू स्टेट है कुछ नहीं होता है वहाँ पे माल न्यूट्रिशमेंट की इतनी प्रॉब्लम है बट आई हैव टू डिफेंड बिकॉज आई एम फ्रॉम MP सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन इंटरव्यू यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक ओके पॉजिटिव सो अब मुझे MP को डिफेंड करना है सो इन वॉट लैंग्वेज आई शुड आंसर दैट आई एम एबल टू सेटिस्फाई दैट इंटरव्यूअर सो वॉट आई सेड नो सर आई थिंक MP इज डेवलपिंग नाउ डबल डिजिट एग्रीकल्चर में ग्रोथ है MP की ओके नाउ फिर आपने इकोनॉमिक सर्वे में या ईयर बुक में पढ़ा होगा तो आप ये बोल दो कि सर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दी MMR ऑफ MP वॉज 250 नाउ इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम 250 टू 160 देयर इज ऑलमोस्ट ड्रॉप ऑफ 100 पॉइंट्स हाउएवर देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बिकॉज द नेशनल एवरेज इज 120 एंड इट इज स्टिल हाई अबाउट हायर एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ MP बट द पेस ऑफ दिस डेवलपमेंट इज नॉट एज हाई एज गुजरात बट डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस बट द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट एज हाई एज गुजरात ओके सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज आई गॉट थ्रू इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस वाय बिकॉज दीज आर दी पब्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे दे आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कि अगर इतना फिजिकल डेफिसिट है करंट अकाउंट डेफिसिट है गोल्ड का इतना इम्पोर्ट है बट स्टिल आप देखो वो एक रोजी सी और एक बढ़िया सी पिक्चर पेंट कर देंगे वाई दे विल से कि ये जो इकोनॉमिक जो ग्लोबल देयर इज स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ ओके दी IMF प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ 3.4% हाउएवर इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ये वो फलाना निमका वो बोल देंगे कि ये जो आपका इन्फ्लेशन और ये जो सब चीज़ें हैं बिकॉज दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स ऑल्दो देयर आर सम डोमेस्टिक फैक्टर्स बट दीज डोमेस्टिक फैक्टर्स आर सेकेंडरी और दीज डोमेस्टिक फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टिंग द इन्फ्लेशन एज मच एज द ग्लोबल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ओके सो इन दिस वे यू आर एबल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट सो दिस काइंड ऑफ व्यू दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज यू विल गेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन एंड दिस आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ARCs इंडिया एयर बुक ओके बिकॉज इन अदर मैगजीन्स व्हाट यू विल फाइंड दे विल गिव यू पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन सो यू आर वेरी हैप्पी दैट ओके कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को इसके बिल के प्रोस पता हैं इस बिल के कॉन्स पता हैं और अपन कंक्लूजन ये दे देंगे एकदम बैलेंस व्यू है बट ईच एंड एवरीबडी इज रीडिंग द सेम थिंग ईच एंड एवरीबडी इज राइटिंग द सेम थिंग सो हाउ विल यू स्कोर मार्क्स तो अगर आपको यहाँ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा तो आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए सो इन माई ओपिनियन देर इज नो शॉर्टकट कि अगर हम शॉर्टकट के पीछे जाएंगे ना तो वो लॉन्ग कट ही हो जाएगा वो उतने अटेम्प्ट्स लग जाएंगे वो ईयर बुक आती है उसके साथ एक विशाल की आएगी इतनी सी इतनी पतली वाली और सेम गोज विद इकोनॉमिक सर्वे कि यार ये काम का है इकोनॉमिक सर्वे के 3-4 चैप्टर पढ़ लेना एक इंट्रो वाला पढ़ लेना फर्स्ट वाला जिसमें पूरा ओवरव्यू रहेगा बस उतना ही काफ़ी है बट हमको ये एग्ज़ाम मेंस नहीं निकालनी है या हम प्री निकाल के या मेंस निकाल के बॉन्ड बन गया ऐसा नहीं है अंटिल अनलेस जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता ना तब तक कोई मतलब नहीं क्योंकि इंटरव्यू से भी आप वापस लौट कर आओगे तो बहुत ख़राब होता है और वो तो और सबसे घटिया स्टेज होती है भाई बिकॉज आफ्टर 20-25 डेज आपका प्रीलिम्स रहता है तो उसमें तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता वो झटका ही ऐसा रहता है
और फिर क्या होगा कि ऐसे केसेस भी होंगे कि इंटरव्यू के बाद अगला प्री नहीं निकला। दो तीन फ्रेंड्स के साथ हुआ ये कि इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आया, नहीं हुआ तो 20 दिन तो गमी में ही चले गए, यार नहीं हुआ, पढ़ाई में इच्छा नहीं, मन नहीं लग रहा। पढ़ते थे तो याद आता था कि यार काश ये लिख बोल देते तो शायद सिलेक्शन हो जाता, चाहे वेटिंग में ही आ जाता। तो वो पढ़ाई में, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स, वो नहीं होता। तो फिर क्या होगा कि फाइनली इंटरव्यू से आप जब वापस लौटोगे तो आपका मेंस प्रीलिम्स के लिए हार्डली 20-25 डेज रहेंगे, एक मंथ रहेगा। तो फिर वो विशेष साइकिल चालू हो गई, फिर प्री नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद, दोस्तों में एकदम और किरकिरी हो जाएगी, बोला यार इंटरव्यू दिया था और बताओ इस बार प्री नहीं निकल रहा है। तो इसलिए कि जब भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, तो ये सोच के मत करो कि यार प्री निकाल लेंगे, पहले प्री तो निकाल लें फिर देखेंगे। यू हैव टू स्टडी दिस एग्जामिनेशन इन ए इंटीग्रेटेड मैनर, प्रीलिम्स का भी देखिए, उसके बाद मेंस का भी देखिए और इंटरव्यू का भी देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो वो जो तीन चीज़ें मैंने बोली थी, कंसिस्टेंसी, रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ओके। तो प्रीलिम्स का तो मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि प्रीलिम्स में यूजुअली काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल रहती हैं, अपने को पता है स्टैटिक चीज़ें करनी है, ठीक है। देन कम्स मेंस का, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। और मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी जो अब कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो प्रीलिम्स के लिए भी दे रहा हो, सो आई विल से कि एनसीईआरटीज एंड न्यूज़पेपर शुड गो हैंड इन हैंड, क्योंकि एनसीईआरटी जो है दैट विल मेक योर बेस फंडामेंटल, और उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन है दैट विल कम फ्रॉम न्यूज़पेपर। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, फैक्ट्स हैं जो है वो है, दैट विल यू विल गेट इट फ्रॉम कन्वेंशनल बुक्स ओनली, ठीक है, एनसीईआरटीज। बट उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट विल बी कवर्ड इन न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज़ लाइक बाइबल, उसको एकदम रिस्पेक्ट दे के अच्छे से पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर विल नॉट ओनली कवर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेन्स एज वेल एज इंटरव्यू। और पेपर जब पढ़ो तो उसमें ये भी इंश्योर करना कि जैसे नाउ एथिक्स जो पेपर है उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती हैं विच आर वेरी यूनिक, ओके, यू हैव टू राइट देयर एंड देयर। सो बहुत बार न्यूज़पेपर हम लोग हवा में पढ़ देते हैं, जैसे स्टेट्स वाला पन्ना शायद ही कोई पढ़ता हो, कोई नहीं पढ़ता होगा स्टेट वाला पन्ना हिंदू का, वो पहला पढ़ा, पीछे से चालू किया, स्पोर्ट्स में पढ़ा थोड़ा बहुत, इंटरनेशनल नेशनल पढ़ा, पर्सपेक्टिव पढ़ा और वो छोड़ दिया। बट बहुत बार थोड़ा आँख कान खुले करके न्यूज़पेपर पढ़ना, वाई, बिकॉज जैसे एक केस हुआ था तमिलनाडु में और उसी के ऊपर शायद एक क्वेश्चन पूछा था एथिक्स में, देयर वॉज अ कलेक्टर ऑफ हाई कास्ट इन तमिलनाडु एंड द प्रॉब्लम इन द इन हिज डिस्ट्रिक्ट वॉज इन मिड डे मील स्कीम द कुक वॉज अ दलित, सो द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु वर ऑफ हायर कास्ट दे रिफ्यूज्ड दैट ओके वी विल नॉट सेंड अवर चिल्ड्रन टू द आंगनवाड़ी, सो दैट वॉट डिड दैट कलेक्टर डिड, ही केम टू दैट आंगनवाड़ी एंड ही एट द फूड विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय दैट दलित वुमेन। सो आफ्टर दिस इनिशिएटिव मेनी ऑफ द पेरेंट्स हु वर ऑफ हायर कास्ट दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर वर्ड्स टू द स्कूल, ओके। सो दिस काइंड ऑफ केस स्टडी वॉज देयर इन UPSC लास्ट ईयर एंड दिस वॉज अ केस इन तमिलनाडु। सो अब बिकॉज दैट एथिक्स केस स्टडीज एंड एथिक्स पेपर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर इन आर सिलेबस, सो वॉट आई विल सजेस्ट इज दैट जस्ट गो थ्रू दैट स्टेट्स पेज ऑल्सो एंड इफ सम न्यूज ऑफ दिस सॉर्ट कम्स कि यार कोई यूनियन का इशू था एंड अ कलेक्टर हैज रिजॉल्व इट इन अ पीसफुल एंड अ वेरी गुड मैनर, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, उसको हाईलाइट कर दें, एंड पबैड वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन यूटिलाइज इन पबैड ऑल्सो, और ऐसी सिचुएशन दे विल आस्क यू इन इंटरव्यू कि हाउ विल यू इंटीग्रेट ट्राइब्स इन द मेनलैंड, ओके, इफ़ यू आर अ DM और ऐसा ऐसा कोई चीज़ हो गई तो आप क्या करोगे। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच आर कमिंग इन न्यूज़पेपर, और अगर आपका लक है, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा एंड इफ़ यू हैव गिवन दी आंसर, वो आप मत बताओ कि पेपर से पढ़ा है, अपना बोल के बोल दो सर मैं होता तो ऐसा करता कि मैं खुद जाके बोलता कि मैं खाऊंगा। सो आपके इंटरव्यू के मार्क्स देखना,
बहुत अंतर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट अ पर्टिकुलर आर्टिकल कैन बी यूटिलाइज्ड इन एसे और पेपर 1, 2, 3 और 4. ओके, सो रीड न्यूज़पेपर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. आई एम अगेन टेलिंग यू व्हाई न्यूज़पेपर, बिकॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई रिलाइड ओनली ऑन न्यूज़पेपर.